नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं आईपीएल के पहले मुकाबले की, जो कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो में जो है हम पूरे मैच के करेंगे एनालिसिस और आपको बताएंगे क्या है पिच रिपोर्ट, बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, कौन से महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहने वाले हैं दोनों ही टीमों के लिए। ये सारी बात जो है हम आज की वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन जो है कल मैंने एक वीडियो बनाई थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वानखेड़े पिच की। तो हम सभी को पता है वानखेड़े का जो ग्राउंड है वो काफ़ी छोटा है और यहाँ पे जो है बल्लेबाज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों आज के मैच में जो है हम सभी को हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। 180 प्लस तो यहाँ पे एवरेज स्कोर है, मतलब कि 180 रन तो हर बार बनते ही है। तो दोस्तों नो डाउट जो वानखेड़े की पिच है एकदम बैटिंग पिच है, यहाँ पर दोस्तों गेंदबाज को भी मदद मिलती है, लेकिन जो ज़्यादा फायदा है वो हमेशा बल्लेबाज उठा पाता है। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के महत्वपूर्ण खिलाड़ी की, जो कि इस मैच में प्लेयर टू वॉच आउट के रूप में काम आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो दोस्तों मुंबई के लिए जो है ईशान किशन, जो कि इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन दोस्तों उनके ऊपर जो है सबकी नज़रें रहने वाली है, क्योंकि जो अभी प्रैक्टिस मैच हाल ही में हुआ था उसके अंदर दोस्तों ईशान किशन ने सेंचुरी भी लगाई है, वो भी वानखेड़े के स्टेडियम में। तो मेरे हिसाब से जो है ईशान किशन से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। और दोस्तों दूसरे प्लेयर जो कि प्लेयर टू वॉच आउट के रूप में काम आ सकते हैं मुंबई इंडियंस की टीम में, वो है दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जो है उन्हें फिश के नाम से जानते हैं। दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान का जो स्लोअर वन है अभी तक कोई जल्दी पिक नहीं कर पाता है, काफ़ी अच्छे T20 के गेंदबाज है, यॉर्कर अच्छी मारते हैं, स्लोअर वन अच्छी मारते हैं, बाउंसर अच्छी मारते हैं, तो काफ़ी अच्छे मिश्रण करते हैं। मेरे हिसाब से जो है चेन्नई के बल्लेबाज को थोड़ी तकलीफ हो सकती है मुस्तफिजुर रहमान के कटर से। दोस्तों अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में प्लेयर टू वॉच आउट के रूप में कौन सा खिलाड़ी काम आ सकता है। तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है मिस्टर आईपीएल, जो कि हम सुरेश रैना के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो रैना का रिकॉर्ड है आईपीएल में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे हिसाब से रैना एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकते हैं आज के मैच में। दोस्तों वही जो है मुंबई इंडियंस की टीम में काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक बैट्समैन है इवन लुइस, रोहित शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड। और वहीं दोस्तों जो चेन्नई सुपर किंग्स है उनके अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनके अनुभवी खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, मैच के अंदर किस समय कौन सा बल्लेबाज कौन सा गेंदबाज इस्तेमाल करना है ये दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स को बखूबी पता है, क्योंकि जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है वो है उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी। तो दोस्तों आज के मैच में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, दोनों ही टीम काफ़ी टक्कर की है। आपके हिसाब से कौन सी टीम आज का मैच जीत सकती है, अपने सभी विचार बताओ नीचे कमेंट करके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।